खा ले क्यों गया वहाँ। काव्या तो दोस्तों सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग हमारी हो रही है प्यारी सी लोकेशन से जो हम है आज बेराधार में। तो दोस्तों नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, एकदम स्वस्थ शांत मस्त होंगे। तो आज हमें बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ का नाम है बेराधार फ्रॉम सीमार। तो अभी हमें मनोज भैया के गांव में आज उनका देवता नाच रहा है, तो आपको हम दिखाएंगे कैसे यहाँ पहाड़ों में देवता को ठीक होता है। और अभी हमें राकेश भाई के साथ, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बाकी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है, बोल लो। शब्द नहीं है आज शब्द नहीं है, बड़े दुखी हैं, बारी ने धोखा दे दिया है तेरी वाली ने तेरे को यार। अरे मजाक कर रहे हैं। तो अब अभी जो हम लोकेशन पे हैं वो आपको पहले लोकेशन दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग बाबर जानो, उसका चाचा है मेरा दोस्त है, ये माय फ्रेंड। यस बट ये बट चिराग दिल्ली। चलो भैया शुरू हो जाओ। राकेश भाई भेजने दे पहले आटा को, कहाँ से तूने आटा लगाना सीख, कभी लगाया तूने आटा है? तुमने कभी बना रखा? नहीं तो क्या क्या खेल दो कौन था। हमारे पंडित जी लगे हुए हैं भैया जी प्रसाद बनाने में, भैया जी के घर में हम। प्रणाम भैया जी। रात को हम सो गए थे, अब दिन में देखेंगे देवता। आटा गूंदने आ रखे तिमला सागर से, नेपाल से, नेपाल से मास्टर है, मास्टर आटा गुंदा रखे तिमलागर से, जो नेपाल में पड़ता है। फिनिश। कार्य प्रगति पे है भैया, प्रगति थोड़ा टायर्ड बांध रहा है। तुम्हारी प्रगति कहाँ की? प्रगति करने तो दोस्तों जो सामने नजारे हैं ये है मल्लाधरा के, ये सामने मल्लाधरा का गांव है और यहाँ पर नाच रहे देवते है। ये है मनोज भैया का घर। अच्छी करो, हाँ करो। काव्या किसका नाम है? दबा दो। क्या है इसमें? जल्दी बोल बोल। गुस्सा देखो बस तैयारी है भैया। ये देखो डंगरी साहब, डंगरी देखो। अभी यहाँ पर बनने पूरियां, भोजन की तैयारी हो रही है अभी यहाँ पर। तो दोस्तों अभी पता चला कि यहाँ पर एक घोड़ा फंस चुका है, तो राकेश भाई की स्पीड देख रहे हो आप घोड़े को बचाने के लिए। और यहाँ पर नाच रहा है देवता, देखो यहाँ पर मनोज भैया लोगों का घर है भैया ये। बाकी अभी लोग खाना खाना बना ही रहे हैं, पूरी प्रसाद और कौथिक भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी पहले देखते हैं क्या सीन है घोड़े का आगे जाके। घोड़ा यहाँ नीचे फंसा है तो चलते हैं यहाँ भैया। घोड़े पे बहुत तगड़ी चोट लगी यार, सही में बहुत तगड़ी। और भैया हम देवाल से आ चुके वापस बेराधार, और हमारे विजय भाई वीडियो भाई और जाए थे कल रात राकेश भाई की गाड़ी में, जो कि कल रात से यहीं रुके हैं। और यहाँ पे देवते की हो चुकी है स्टार्टिंग, अभी नाचने वाला है देवता कुछ देर में। और यहाँ पर देवते ने ले लिया अवतार और हम आपको देवता दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पे गोलू देवता ने अवतार ले लिया है, और यहाँ पर हमारे जो पहाड़ों में जो देवता देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं भैया। तो ये देखो
गए हमारे मनोज जी जी जिनके घर पे देवता नाच रहा है। भैया यहाँ पर ये बिना बुलाए आ रखे हैं, ये जो ये हैं बिना बुलाए आ रखे हैं, इनको किसी ने न्योता नहीं किया था, फिर पता नहीं क्यों आए। भैया आपको किसने बुलाया था ये बताओ पहले हमें। तो अभी तक यही लगा था कैमरे के पीछे, तीन क्रम का नहीं खींचता। आप सभी लोग जीओडी ब्लॉग पे देख सकते हैं पूरी वीडियो। ये है इसके ओनर, इसे बोला जाता है धूनी, और ये सामने जो लगा वो छप्पर, और अभी यहाँ पर नाच रहे हैं देवता। अभी यहाँ पर हो रहा है कोठी और यह है प्रकुल मनोज भैया का लड़का। कौशिक होने के बाद लास्ट में सभी देवी देवता लोग अपना आशीर्वाद देते हैं सभी लोगों को। यह हमारी पहाड़ों की कुछ रीति रिवाज, जब कौशिक होता है तो लास्ट में सभी लोग जो सभी देवता होते हैं ना
तो ये सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं अपना, हमेशा सभी लोग खुश रहें। ये अभी वही चीज़ चल रही है यहाँ पर। और जो हमारे पहाड़ में बोला जाता है ना छल छित्र, जिन पर छल भी लगा होता था इसमें बता देते थे भगवान जी। बस अब लास्ट है, इसके बाद अंतिम चरण है इस कोठी का, बाकी आंसू की तैयारी है और बड़ा है हमारा कोठी। इसके बाद सबको प्रसाद वितरण होगा। और भैया ये बंदा बहुत डर रहा है क्योंकि इसे चिमटे की मार पड़ी थी कल रात और अभी भी पड़ सकती है। और जो ये हैं इन्हें लाल चिमटे की मार पड़ी थी, अभी भी डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जो आज के डंगरी थे वीडियो बना रहे हैं ये भी अपने के लिए। ये हैं आज के हमारे भगवती के डंगरी। हाय कर दो भगवती के डंगरी हो। ज्योति दीदी आज हमारी भगवती की डंगरी थी। और भैया ये अपनी दिशा बता रहे हैं हमारे। मार पड़ मार था लेकिन मुझे पड़ मार। अब आज की वीडियो को समाप्त करने का समय आ चुका है, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्द मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।